यू नो, एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने चेस्ट को बेस्ट फील कर पाते हैं वर्क करते हुए। यस, पेक डेक भी मेरे लिए वो सेम एक्सरसाइज है। मैं पेक डेक इसीलिए करता हूँ ताकि मेरी चेस्ट एकदम वार्म अप हो जाए, उसमें ब्लड फ्लो हो अच्छे से, एंड इट इज़ रेडी टू गो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ इंक्लाइंड डंबल प्रेस। नाउ इंक्लाइंड डंबल प्रेस इसीलिए बिकॉज वो अपर चेस्ट पे फोकस करती है, जो कि यूजुअली लोगों का लैकिंग पार्ट होता है चेस्ट का, एंड इसीलिए उसको स्टार्ट में हिट करते हैं ताकि उसको सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकें एंड अपनी चेस्ट को अच्छा और एक फुल लुक मिले। इस एक्सरसाइज में रिलेटिवली हैवी जाएंगे एंड उस हिसाब का वेट पिक करेंगे जिसकी वजह से 8 to 10 रेप्स टच हो पाए। नाउ आर्च रखना अपने बैक में या नहीं रखना वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आपको जिस पोजीशन में बेस्ट फील हो रही है अपने चेस्ट वर्क करते हुए, आप उस पोजीशन में प्रेस कर सकते हैं। बस उतना ध्यान रखिए कि आप वेट को स्लोली नीचे ला रहे हैं एंड देन एक्सप्लोडिंग ऑन द वे अप। नाउ आखिरी सेट में मैं हमेशा ड्रॉप सेट से ख़त्म करता हूँ, बट ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप ड्रॉप सेट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप एक बिगिनर हैं एंड स्टिल ये सब एक्सरसाइजेस सीख रहे हैं देन ड्रॉप सेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली 3 सेट्स कर सकते हैं एंड इट विल बी फाइन। एंड मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज इस पुश रूटीन में, जो टारगेट करेगी आपके फ्रंट डेल्ट्स को, ये है सीटेड मशीन शोल्डर प्रेस। सीटेड इसीलिए ताकि हम लोग अपने लेग्स का यूज़ ना करें एंड मोस्ट ऑफ द वर्क शोल्डर से करवाएं, एंड मशीन इसीलिए ताकि मुझे कोई स्टेबलाइज ना करना पड़े वेट एंड मैं टोटली अपने फ्रंट डेल्ट्स पे वर्क कर पाऊँ। ना यहाँ पे कोई सुपर सुपर हैवी वेट नहीं लेना बिकॉज हम 12 to 15 रेप्स का टारगेट रख रहे हैं। 12 to 15 रेप्स इसीलिए रखते हैं ताकि आप वो 30 to 60 सेकेंड्स ऑफ टाइम अंडर टेंशन के जोन में आए। आप जब वेट को पुश करें तो आप उसे एक्सप्लोड और फास्ट ले आ सकते हैं ऊपर, बट जब नीचे ले जाए इसेंट्रिक पोर्शन में तब उसको स्लो रखिए, जिसकी वजह से आपका टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा एंड इट विल ग्रो। थर्ड एक्सरसाइज एंड मेरी फेवरेट वन, केबल क्रॉस ओवर फ्रॉम हाई टू लो। हाई टू लो इसलिए जा रहे हैं बिकॉज फर्स्टली हमने इंक्लाइन चेस्ट करके अपने अपर चेस्ट पर वर्क कर लिया है एंड अब टाइम है मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट को हिट करने की। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एक्सरसाइज में ये है एक सही वेट चूज़ करना। नाउ वेट चूज़ करना सही इसलिए बिकॉज ये एक फ्लाई एक्सरसाइज है, इसमें एक रिस्क रहता है आपके शोल्डर्स के इंजरी होने का। सो इतना हैवी वेट मत चूज़ कीजिए कि आपकी चेस्ट वो लोड ना ले पाए एंड आपके शोल्डर्स इंजर हो जाए। वेट ऐसा चूज़ कीजिए जिससे आप अपने चेस्ट को एकदम स्क्वीज़ कर पाए और फील कर पाए एंड उसको पीछे ले जाके अच्छे से स्ट्रेच कर पाए विदाउट पुटिंग मोर रिस्क ऑन योर शोल्डर्स। नाउ चेस्ट और फ्रंट डेल्ट्स को टोटली डिस्ट्रॉय करने के बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है आपके साइड शोल्डर्स के लिए, विच इज़ लैटरल रेजेस। नाउ मैं ये एक्सरसाइज कंपेरेटिवली हैवियर वेट से करता हूँ बिकॉज दिस इज़ द ओनली वन एक्सरसाइज जो मैं अपने साइड डेल्ट्स के लिए करता हूँ। इसलिए मैं एक हैवी वेट यूज़ करता हूँ एंड अपनी इंटेंसिटी हाई रखता हूँ थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। नाउ एक हैवी वेट लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसके वाइल्डली स्विंग करें, मेनली उसको मोमेंटम के साथ यूज़ करके ऊपर लाए एंड नीचे ले जाते वक्त कंट्रोल करें। नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए मैं ड्रॉप सेट यूज़ करता हूँ एंड ये एक्सरसाइज में भी वही केस है। ड्रॉप सेट्स का सिंपली यही मतलब होता है कि आप जैसे ही अपना सेट ख़त्म करें एक लाइटर वेट लें एंड उसी से वो सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करें अप अनटिल फेलियर। ये एक बहुत अच्छा मेथड है इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए एंड अगर आप इंटरमीडिएट लिफ्टर्स हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसे ट्राई करें। एंड इस पूरे पुश वर्कआउट को फिनिश करते हुए थोड़ी सी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। फर्स्ट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज जो कि है रोप पुश डाउन, जिस एक्सरसाइज से हम लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को हिट करेंगे। लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो कि साइड में होता है आपके ट्राइसेप्स के, जो कि प्रोमिनेंटली दिखता है मोस्ट ऑफ द पीपल के आर्म्स में, उसे हम पहले हिट करेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। ना वो साइड पार्ट ऑफ ट्राइसेप्स को हिट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप जब भी नीचे जाए देन अपने रिस्ट को ओपन अप करें आउटवर्ड्स, ताकि आपके ट्राइसेप्स का वो साइड पार्ट फ्लेक्स हो सके पूरी तरह से एंड पूरी तरह से वर्क हो। इसलिए मैं ये एक्सरसाइज को रोप से परफॉर्म करता हूँ इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट बार, क्योंकि रोप आपको वो फ्रीडम देती है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की। एंड ये सेम सेटअप को यूज़ करते हुए हम करते हैं नेक्स्ट ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जो कि है रोप पुश अवे। रोप पुश डाउन से अलग, रोप पुश अवे में हम ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को हिट करते हैं। नाउ ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड सबसे इम्पॉर्टेंट हेड होता है इन माई ओपिनियन, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मास ऐड करता है आपके आर्म्स में एंड उसे हिट करने के लिए कोई भी ओवर हेड मूवमेंट काम करती है, बट रोप पुश अवे मेरी फेवरेट है।
एंड अगर आपने ट्राई नहीं की तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छी मूवमेंट है आपके ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को एक स्ट्रेच पोजिशन पर पुट करने के लिए। ये दोनों ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में हम 12 टू 15 रेप्स टच करना चाहेंगे, 12 रेप्स ताकि मैं वो टाइम अंडर टेंशन कंप्लीट कर पाऊँ ऑफ 30 टू 60 सेकेंड्स के बीच में, जिससे मेरी ट्राइसेप्स ऑप्टिमली ग्रो होगी। एंड यही ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के साथ ख़त्म होता है मेरा पुश वर्कआउट। ऑलराइट, वही था पूरा पुश वर्कआउट। सारी एक्सरसाइजेज, सेट्स एंड रेप्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लो सेट से चालू कर सकते हैं, जैसे कि 1 or 2 सेट्स हर एक एक्सरसाइज के लिए विल बी फाइन। एंड जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं इसमें, आप सेट्स बढ़ा सकते हैं एंड अपना टोटल वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं वर्कआउट का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, देन आप उसको कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और बेटर येट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपकी वहाँ पर मैं डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझे, एंड मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड ये पुश वर्कआउट के साथ मेरी पुश पुल सीरीज़ ख़त्म होती है। आप बाकी के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मेरे शॉर्ट वीडियोस चेकआउट कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको इस पुश वर्कआउट के बारे में पता चले, एंड इट विल हेल्प आवर चैनल टू ग्रो। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।